हाउस ट्रेडिंग जिसने किया है उसकी चर्चा तो कीजिए। अरे एफआईआर तो सरकार है, कल भाई वीरेंद्र को भी जेल भेज सकता है कोई आरोप लगाकर। राज चौधरी ने कहा आप लोग उनके विधायक को तोड़ने की कोशिश। अरे भाई हमारे विधायकों को कैसे तोड़ा गया है, आप तो गवाह है ना। तीन माननीय विधायकों को कैसे हॉर्स ट्रेडिंग करके और राजद के विधायकों को अपने पाले में लाने का काम किया है, या तो डरा के धमका कर पैसा दे कर चाहे जैसे भी हो। फाइलें खुलेंगी। अरे अच्छी बात है, फाइल खोले क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं, फाइल खुले। आप सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज में कौन कौन पदाधिकारी का चलता है, जो लोग रिटायर हो गए हैं उनको काहे के लिए रखा गया है सलाहकार के नाम पर माल उसलने के लिए। आज भगवान राम है ना, उनका कसम खा के कह दे हम राजनीति छोड़ देंगे। भगवान राम का कसम खा के बोले कि ये बात सही है कि नहीं है। जदयू के विधायक और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया था कि हमारे विधायक को खरीदने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन हमारे विधायक बिकने वाले नहीं है, और जो विधायक ट्रेस में नहीं आ रहे थे उनको लेकर के भी कहा है कि हम लोग कोशिश कर रहे थे, देखिए ट्रेस में भी आ गए हैं, लेकिन ये लोग खरीदने की कोशिश कर रहे थे, कोई भी विधायक बिकेंगे नहीं। लेकिन अब देखिए कई विधायक पे एफआईआर भी दर्ज हो गया है, राजद के विधायक हो या जदयू के विधायक हो। अब इसी को लेकर के जब सवाल किया गया भाई वीरेंद्र से, तो वो जो है नीतीश कुमार पर जमकर बरसते हुए नजर आए, और वहीं पे चेतन आनंद को लेकर के भी क्या कुछ कह रहे हैं। भाई वीरेंद्र सबसे पहले आप वो सुने। आप लोगों ने अपने आंखों से देखा है कि हमारे पार्टी के तीन विधायकों को कैसे हॉर्स ट्रेडिंग किया गया और पैसे से उनको खरीद कर और अपने पाले में किया गया, आप गवाह हैं, तो फिर इस तरह का सवाल ही नहीं करना चाहिए। हॉर्स ट्रेडिंग जिसने किया है उसकी चर्चा तो कीजिए। अरे एफआईआर तो सरकार है, कल भाई वीरेंद्र को भी जेल भेज सकता है कोई आरोप लगाकर, तो ये तो सरकार है और पलटीमार सरकार है, आप जानते ही कि पलटी मारने वाली सरकार है, ये कुछ भी कर सकती है। ने कहा आप लोग उनके विधायक को तोड़ने की कोशिश। अरे भाई हमारे विधायकों को कैसे तोड़ा गया है, आप तो गवाह है ना। तीन माननीय विधायकों को कैसे हॉर्स ट्रेडिंग करके और राजद के विधायकों को अपने पाले में लाने का काम किया है, या तो डरा के धमका कर पैसा दे कर चाहे जैसे भी हो मैनेज करके उन लोगों को अपने पाले में रखने का काम किया है। इसलिए जो लोग भी आरोप लगा रहे हैं मेरे पार्टी और मेरे लोगों पर, वो बेबुनियाद आरोप है, इस तरह का आरोप से बचना चाहिए सरकार। फाइलें खुलेंगी। अरे अच्छी बात है, फाइल खोलें क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं, फाइल खुले। आप सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज में कौन कौन पदाधिकारी का चलता है, जो लोग रिटायर हो गए हैं उनको काहे के लिए रखा गया है सलाहकार के नाम पर माल उसलने के लिए, माल उसलने के लिए, और वो लोग फंसते नजर आ रहे थे, उन्हीं के दबाव में एनडीए में जाकर मिले हैं नीतीश कुमार जी। अंतरात्मा की आवाज भगवान राम है ना, उनका कसम खा के कह दे हम राजनीति छोड़ देंगे। भगवान राम का कसम खा के बोले कि ये बात सही है कि नहीं है, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अरे छोड़ा यार, आप जानते हैं कि कहानियां हैं ना जयचंद और किसका किसका, आप कहानी अब मत कहने दीजिए, छोड़िए। तो आपने साफ तौर पे सुना उनका कहना है कि देखिए इनकी सरकार है, ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने ही हॉर्स ट्रेडिंग कराया है, कल हमारे तीन विधायक को ये लोग खरीदे हैं, लेकिन देखिए अब इनकी सरकार है, ये लोग कुछ भी करेंगे, एफआईआर तो हमारे ऊपर भी कर देंगे, और झूठा आरोप लगा करके हमें भी जेल भेज सकते हैं। लेकिन जिस तरीका से जो है एफआईआर हुआ है उसको लेकर के भाई वीरेंद्र काफ़ी गुस्से में हैं, और साफ तौर पे कह रहे हैं इनकी सरकार है, ये लोग कुछ भी करेंगे। लेकिन चेतन आनंद जिस तरीका से आरोप लगा रहे कि हमारे परिवार के ऊपर जो है ये लोग कुछ भी बोल रहे थे, तो हम लोग बख्शने वाले नहीं हैं, तो इस पर भी उन्होंने कहा है कि देखिए उनको जो है टिकट दे करके राजद सबसे बड़ी गलती की है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।